माल भाई फटी हुई एक नंबर को फिलहाल। माहौल जो धुरंधर जो पैसे वाले जो राजनीति कर रहे हैं उनका माहौल बनता जा रहा है। गांव में फरटिया 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 बराबर की टक्कर दोनों में बदलाव चाहते हो क्या? नान मात कौन जाऊं भाई बीजेपी ने जाट वोट देखो दलाल का सो गए करो नमस्कार, आप देख रहे हैं 417 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकित। दोस्तों, लुवारू क्षेत्र का सर्वे करते हुए आज हम आए हैं शिवानी के गांव गढ़वा में। यहां पर जानेंगे लोगों की क्या है विचार, किस पार्टी की तरफ है ज्यादा रुझान। मेरे साथ है कैमरामैन विकास कुमार, आइए जानते हैं। नमस्कार जीताऊ जी। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? राम प्रसाद। तो गाँव गढ़वा में अब की बार सुनाओ कुछ क्या माहौल है? माहौल तो राजवीर फटियो राजवीर फटे कैसे है जी? राजवीर फटे राजवीर फटियो इतनो समाज सेवी आदमी कड़े बोला लियो बहन तो वो साइड खोल दी नो टांगी भाई कड़े बोलाओ स्कूल में बस छोरियां खाते हर गांव में फरी चला दी। अच्छा जी। कन्यादान उकन देने है और कोई सावजी काम उड़े दोख दे है कच्ची छोटे को नहीं भाई 4 साल हो गए लगे। राजवीर फटे कितने वोट जीता रहे पर? तो अच्छा बनेगा इनका लोहारू तो कितने वोट वोट कम से कम मांगा 20-30 हजार वोट तो पक्को जीता हुई बिल्कुल तो बहुत समाज सेवी आदमी काम तो करे दलाल साहब नहीं बोत के हैं आपके दलाल करो चाहे बदलाव चाहो हम ही तो बदलाव जरूरी है बिल्कुल जरूरी है भाई बदलाव तो हाँ। गांव में और कोई विकास कार्य हुए क्या? विकास कार्य न्यू हो है करे से विकास सब का हो सरकार में बने से विकास की तो इसी बात को नहीं बदलाव चाहते हो? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। ये बहुत दानवीर आदमी से राजवीर फरटियो। राम राम जीताऊ जी। हाँ जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी आपका? तारा चंद। तो गांव में क्या माहौल है की बार गढ़वा में किसकी तरफ रुझान? गांव में फरटिया फरटिया फरटिया। अच्छा राजवीर फटिया। राजवीर फरटिया। राजवीर फटिया की तरफ कैसे है जी? हाँ और हमारा गांव में भी माहौल से क्या काम कर दिया जी राजवीर फटिया ने ऐसा? हाँ? राजवीर फटिया ने क्या कर दिया जी? भैया का बना को जीत करोगे तो पहली के काम बतावा। अच्छा जयपदाल ने काम नहीं किया उस गाँव में? देवपीलाल भाई गरीब हम तो दिया मारे हम तो सा गरीब। अच्छा जी। मारा तो कार्ड काट दिया और वो चौधरिया ने दाना दे दिया और ना मारा कोई नौकरी पेशो ना मामले किमी खाता में किमी गिराया हो जटा ने गद्दा गद्दी दाम गिरा दिया ना कोई मारी मकाम आगे देखिए ये तो आप सामने खड़े हमारी चौपाल की क्या हालत है कि भी सारा कोई मरम्मत दी कोर किमी दी जे पी दलाल लग रहे भाई। और फिर एक बात और बताऊँ आगे भाई मार दे दियो जटा ने और ये गरीब नाइट गया वोटा ने भी क्यों फूका लोटा ने सही है। हाँ ठीक है बदलाव चाहते हो फिर? हाँ मैं तो राजवीर फरटिया ने वोट देंगा भाई और खूब मानता करी थी अच्छा सिर पर हाथ दे रहे था अच्छा हमारा फोटो आ रहा से अच्छा डीजे बजा के गांव का बाल का कह लियो खूब दम है चाहे भाई तू कौन सगा लो मारा तो राजवीर फरटिया ने। नमस्कार जी। राम राम भाई जी। आपका क्या नाम है जी? बजरंग भाई जी। तो बताओ कुछ विचार क्या है माहौल की बार आपके गाँव में? माहौल भाई फटी हुई एक नंबर को फिलहाल। फटिया कैसे है जी माहौल यहाँ पर? भाई समाज से भी है समझ से वैसे क्या काम कर दिया जी उन्होंने? सारा कर दिया रे आगे और करे वो लाग रहे ये तो बिना एमएलए मंत्री होते हुए इतना काम करे समाज सेवा से भलो तो करे चाहे किसी को करो। हाँ तो दलाल साहब ने काम नहीं किया उस गांव में? भाई काम कर रहे हैं कि करो किसी को बोलो तो कौन करो भाई ये हो गया जमींदार आदमी है एक बात हाल मारा बाप दादा कमाई कर गया खेती बाढ़ को लगवाए तो को नहीं रोजगार तो कौन दियो किसी ने किसानों करे बीमा मुआवजा ये तो आया होगा मुआवजा यार एक बार सदा बीमा मुआवजा आगे देखिए मार के लिया कि मामन के दियो मुआवजा मामी मारा एक बार युवा बालक सा मन बाप दादा खेती कमा कमा मर गया अब मामी मर जाए फिर फायदे हो गए मार के ऐसे देखी और खेती बिना भाई सरकार ना सरकार को नहीं तो आप बदलाव चाहते हो? हाँ बदलाव चाहते। राजवीर फटिया से कितनी उम्मीदें हैं क्या कर सकते हैं वो आने के बाद? भाई राजवीर फटिया युवा रोजगार देगा और भाई सारा काम करा वो समाज से भी आदमी भाई गांव में और बिजली पानी सड़क की व्यवस्था कैसी ओके जी? भाई ओके तो कड़ा सर लेकिन काम तो अहमद सड़क बनाई थी वह माला ही ने खेत का नहीं उमजाई देख वो सारी फूटी पड़ी है दूसरे दिन ही फूट गई थी मुसालों को गिर उनकी मी को गिर सारा गाँव को पानी जाड़ो सारी फूटी पड़ी है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुरेंद्र जी। गाँव गढ़वा से। गढ़वा से जी। तो आपके गाँव में क्या माहौल है की बार इलेक्शन में? अब की बार अच्छा है माहौल। किसकी तरफ है रोजाना? हम तो जयपी दलाल की तरफ से हैं। जयपी दलाल ने काम किया गांव में कुछ? खूब काम किया है जी। क्या क्या काम कर रखे जी? हम नहर का पानी फुल चला रखे है मुआवजा फुल देने ला रहा है जमींदार ने और चाहिए कि बीमा फुल देने ला रहा है। अच्छा तो हाँ। राजवीर फटिया टक्कर दे सकते हैं? हाँ जी को। ना कम है कौन पड़ा। अच्छा हाँ तो जयपी दलाल कितने वोट जिता रहे हो अब की बार? अब की बार कम से कम भी जिता रहे हैं तो
दस बीस पच्चीस हजार वोटों से आगे चलेगा जी। आपके आचार 17 चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम। क्या नाम है जी आपका? राजेश फौजी गढ़वा। अच्छा, तो गढ़वा में अब की बार क्या माहौल है जी इलेक्शन में? गढ़वा में जी माहौल जो धुरंधर जो पैसे वाले जो राजनीति कर रहे हैं उनका माहौल बनता जा रहा है, लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम पैदा कर रहे हैं आने वाले समय में जो पैसे वाला ही इलेक्शन लड़ पाएगा, बिना पैसे वाले के लिए इलेक्शन लड़ना महाभारत है। आपको क्या लगता है किसकी तरफ है माहौल ज़्यादा आपकी बार? भाई हम तो जननायक जनता पार्टी के खास वर्कर हैं और हम अपनी पोजीशन माहौल पैदा कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करके हम जननायक जनता पार्टी का भावी उम्मीदवार अलका आर्य को वोट डालने का काम करवाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अलका आर्य को वोट करें और जो पढ़ी लिखी सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी डबल MA PhD वो अलका आर्य है, जो उसको पढ़ी लिखी को और एक सबसे ज़्यादा नारी शक्ति को, लोग बोलते हैं नारी पढ़ाओ नारी बचाओ नारा तो देते हैं लेकिन उसका मान सम्मान नहीं करते। जननायक जनता पार्टी ने एक नारी शक्ति को टिकट देकर आभार व्यक्त किया है। लोहारू की जनता के बीच में अलका आर्य की सपोर्ट करना हमारा कर्तव्य है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको वोट देकर हम उसको भावी उम्मीदवार देखना चाहते हैं। जेपी दलाल के कार्यकाल में कुछ काम हुए हैं गांव में पहले? हाँ, जेपी दलाल के बारे में देखो ऐसा है, काम तो सरकार में हर मंत्री जो आते हैं काम करते हैं, जेपी दलाल ने भी करे हैं, जैसे पानी के जैसे नहरों में पानी आना काम तो बंसीलाल ने भी बहुत करे थे। क्या वो जीत पाया था? काम करने वाले को वोट कौन देता है जी? नमस्कार जी अंकल जी। नमस्कार भाई, आपका क्या नाम है जी? राजवीर शर्मा जी। तो गांव में अब की बार क्या लगता है इलेक्शन में 2024 में विधानसभा के? कांग्रेस है जी। कांग्रेस से राजवीर फटिया? हाँ, राजवीर फटिया। राजवीर फटिया की तरफ कैसे है जी? खूब है जी। क्या कर दिया उन्होंने ऐसा? वो तो बनाएगा जी, करेगा जी, ये भी समाज सेवी करे है, बस लगा रखी थोड़ी फरीद पढ़ाओ है, मान ले बस में ले जा छोड़ के जा गौशाला में पीसा दे कन्या देन दे। काम तो करे जेपी दलाल नहीं बहुत किया, आपके काम हुए हैं कुछ? हो गया जी। क्या क्या काम हुए जी? ये पानी का बीमा का ये तो होया है जी। अच्छा जी। हाँ जी, तो आप बदलाव चाहते हो? हाँ, बदलाव चाहूँ जी। तो राजीव फटिया कितने वोटों से जीता रहे आपकी बार लोहार हल्के से? लोहार हल्के से जी 40,000 से। आपके गांव में कितने वोट है जी यहाँ पर? हमारे 850 वोट। हाँ जी, 500 वोट राजीव फटिया। गांव में सड़क बिजली पानी व्यवस्था सही ओके? हाँ, सड़क तो ठीक से जी, खेड़ा ही थे एक बनावाई थी जिन्हें टेम्परेली सारा काम का पानी जा हुआ टूटी पड़ी है, पशु वहाँ थे गादे में कहें कौन चल लिया जी, इन फ्रेंड पल्ला पास देख लो चल जाके कई बार शिकायत कर ली, कोई हल को नहीं हुआ, बोले मार्केट कमेटी की, मार्केट कमेटी की है निरा सारा गांव को पानी उड़ेगा जहर कोनी बढ़िया जी। नमस्कार भाई, क्या नाम है जी आपका? सूरज सिंह है। तो गांव गढ़वा में क्या लगता है आपकी बार क्या माहौल है, किसकी तरफ है रुझान ज्यादा? रुझान कांग्रेस का। कांग्रेस से राजवीर फटिया की तरफ? हाँ, राजवीर फटिया की तरफ। राजवीर फटिया की तरफ कैसे है जी? भाई बंसीलाल की लहर है इसकी। अच्छा जी। हाँ, उसके हिसाब से इसकी अच्छी लहर है और वैसे काम भी फील्डिंग में अच्छी है इसकी। तो जेपी दलाल ने काम कर रखे कुछ गांव में पहले? काम कांग्रेस तो अलग तो कोई करे को नहीं। अच्छा। कांग्रेस तो अलग करा है जी, तो नहीं भाई कांग्रेस तो अलग काम करे तो अभी न्यू जाना भाई यू काम कर दिया गरीबों के लिए, तो कोई हमने तो कोई दिखा कोई नहीं भाई। अच्छा, बदलाव चाहो आपकी बार फिर? बदलाव पक्का जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? रोहतास कुमार। तो क्या लगता है आपकी बार इलेक्शन में 2024 में विधानसभा के? विधानसभा चुनाव में जनता का रुझान कांग्रेस की ओर है। कांग्रेस राजीव फटिया की तरफ? बिल्कुल, राजीव फटिया। राजीव फटिया की तरफ कैसे है जी रुझान? राजीव फटिया यहाँ पर लगभग 5 साल से सामाजिक कार्यों में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दे रहे हैं। अच्छा जी। जनता के हर मुद्दे की आवाज़ को वो उठा रहे हैं। सामाजिक जो कार्य हैं जैसे लड़कियों के लिए स्कूल बस, जो स्कूल कॉलेज की बसें हैं बसें लगाना, जो गरीब बच्चे हैं जिनके माँ या बाप कोई एक्सपायर हो रहा है तो कन्यादान वगैरह में 51,000 रुपये 1,01,000 रुपये कन्यादान राशि, और खेल वगैरह जो बच्चों खेल करवाते हैं खेलों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं पूरा योगदान देते हैं, यानी सामाजिक कार्यों में बहुत आगे। काम तो कह रहे जेपी दलाल नहीं बहुत कि आपके गाँव में हुए कुछ काम जेपी दलाल के कार्यकाल में? बिल्कुल काम हुए तो, जेपी दलाल से भी काम बहुत हुए हैं। क्या क्या काम कर रखे? लेकिन जो जनता है
वो बीजेपी सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों से संतुष्ट नहीं है। केवल जुमलेबाजी करना, घोषणाएं करना, धरातल पर उनको लागू ना करना। आप बदलाव चाहते हो? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। बीजेपी सरकार ने ना तो कर्मचारी को छोड़ा, ना व्यापारी को छोड़ा, ना किसान को छोड़ा, ना खिलाड़ियों को छोड़ा, ना सरपंचों को। हर जो भी आवाज़ उठाई है उस आवाज़ को कुचलने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। तो राजवीर फटिया कितने वोट जीता रहे हो जी अब की बार फिर पूरे लुआरू हल्के से? मेरे हिसाब से कम 20-25 हज़ार वोटों से आराम से जीतेंगे। तो बीजेपी से खुश नहीं हो इसका मतलब? नहीं, बीजेपी से खुश नहीं। बदलाव चाहते हो? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। तो गांव में और बिजली पानी सड़क व्यवस्थाएं कैसी है जी? सड़कें ठीक हैं। अच्छा जी, बिजली भी ठीक आती है, पानी नहरों वगैरह में अच्छा पानी आया, लेकिन अब कम से कम एक साल से एक दिन पानी आ गया, एक दिन बंद हो गया, कभी आ गया कभी नहीं आ गया, अब ये पोजीशन। नमस्कार जी अंकल जी। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? प्रताप सिंह सूरा गढ़वा, सरपंच। अच्छा सरपंच साहब, तो ये बताओ गांव में अब की बार क्या माहौल है इलेक्शन में अब की बार विधानसभा की आपके गांव में? हमारे गांव में घने सारे हल्के में कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस का कैसे? राजीव फटिया की तरफ? राजीव फटिया की तरफ है। कैसे है जी का राजीव फटिया की तरफ माहौल? राजीव फटिया देखो समाज सेवी भी रहे और लड़कियां खतरे बस लगा रखी हैं, जो बीए तक जो लड़कियां जाती हैं कॉलेज में उनके लिए। तो पिछले कार्यकाल में जेपी दलाल ने काम किए कुछ गांव में पहले? हाँ काम किए, जेपी दलाल ने भी काम किए। जेपी दलाल ने जैसे मुआवजा भी, बीमा भी दिवाया है किसानों को। किसानों को बीमा दिवाया है और कुछ, और पानी है नहर का व्यवस्था उसकी भी ठीक थी, गलत नहीं थी। बदलाव चाहते हो? उसकी पार्टी के हिसाब से, पार्टी गलत होने की वजह से मान ली वो इस बार मार खाएगा इसमें। अच्छा, और राजवीर फटिया के अंदर उसके अंदर कुछ फर्क तो है। कितना फर्क है जी? फर्क ये है ना कि एक तो राजवीर फटिया है ना, राजवीर फटिया का तो खुद का अनुभव नहीं है इलेक्शन में। गाड़ी जैसे गाड़ी रखता है पीछे 100-100, 200-200, 300-300 गाड़ियाँ चलती हैं, फूल बरसाना और बरसाना आपको खुद का नुकसान कर रहा है। खुद का नुकसान ऐसे कर रहा है कि जैसे 2 घंटा एक गांव में लग गए, 2 घंटा एक गांव के बजाय अगर गाड़ी नहीं लिया हुए या ताम जाम ना दिखावे तो सीधा गांव के चौक में बात करें, उसके बाद में 2-4 आदमी गांव के अलग से मिले तो उसको बेनिफिट तो मिला है, प्रॉफिट। वो बेनिफिट अब दलाल ले रहे हैं। दलाल ने अपने 2 राउंड पूरे कर दिए, तीसरे राउंड में जहाँ कहीं बुला लेते हैं वहीं चले जाते हैं। ये राजवीर फटिया को वैसे करना चाहिए। तो राजवीर फटिया कितने वोट जीता रहे अब की बार? देखो ये तो पब्लिक बतावे, पूरे लुहारू हल्के से कोई अंदाजा नहीं है। पुराने हल्के अब छुआणी जैसे है, छुआणी के अंदर जो 43 गाँव है ना उसमें तो राजवीर फटिया ज़्यादा वो लेगा। उसमें कई कारण हो गया, एक तो 22 गाँव जो है ना वो मुआवजा बीमा है, बीमा उनको दोनों बार नहीं मिला, वो 22 ही गाँव छूट गए दोनों बार। इस बार उसने ऐसा कर दिया कि जो बीमे के पैसे दिए गए थे, जमा करवाए थे कंपनी में, उसमें भी इसने कुछ दलाल ने गड़बड़ कर दी। जो अपने आदमी थे उन आदमियों को मुआवजा दिवाया, जो कांग्रेस का मैन कांग्रेस का मान लिया उसको मुआवजा नहीं, बीमा नहीं दिवाया उसने। ये बोलते हैं उसको पोर्टल खुलवा के नर उनके पैसे जमा करवा दिए, अपने आदमियों को कह दिया कि तुम पैसे जमा करो, उनके दोबारा करवा दिए, बाकी उसमें भी उसको नुकसान है। तो गांव में अब की बार बदलाव का माहौल है? गांव में सारे हरियाणा में बदलाव का माहौल है। राम राम जी ताऊ जी। राम राम जी। आपका क्या नाम है जी? मास्टर नंदलाल। अच्छा सुनाओ जी, कुछ गांव में अब की बार क्या माहौल है, किसकी तरफ ज्यादा रुझान है? फटिया की तरफ। राजवीर फटिया की तरफ। कैसे है जी राजवीर फटिया की तरफ? क्योंकि उसने काम सारे मतलब बढ़िया करे थे, देना बस लगाई लड़कियों के लिए और सबके सार्वजनिक। तो काम जेपी दलाल ने नहीं किया उस गांव में? हाँ गांव में मैं तो देखा कोई नहीं करिया, कुछ नहीं किया गांव में ना। आप बदलाव चाहते हो अब की बार? बदलाव। क्या नाम है जी आपका? सुनील कुमार। तो गांव गढ़वा में अब की बार क्या लगता है, किसकी तरफ है ज्यादा माहौल? कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ। कैसे जी राजीव फटिया की तरफ? राजीव फटिया। कैसे जी राजीव फटिया की तरफ? काम कर रखे हैं समाज सेवी। समाज सेवा काम क्या कर दिए? जैसे लड़कियों के लिए कर दिए और ले कोई चीज़ भी, कन्यादान लो,
बीजेपी सरकार ने किया क्या है? बीजेपी से खुश नहीं हो गया, दलाल साहब ने काम नहीं किया उस गांव में। काम किए हैं दलाल ने, खूब काम किए हैं, काम क्यों नहीं? काम क्या कर दिया दलाल साहब ने? फिर पानी भी आया है, मुआवजा भी मिला है, बीमा भी मिला है। तो आप बदलाव चाहते हो? बदलाव आपकी बार राजीव फटिया कितने वोट जीता रहे आपके अंदाजे से? आपकी बार हमारे गाँव से, गाँव से बता दे, लोहारू हल्के से बता दो। लोहारू हल्के से 15 से 20 हज़ार पाएगी। जीत पक्की है राजीव फटिया? कन्फर्म है। गांव में और बिजली पानी सड़क की व्यवस्था कैसे जी? ठीक है, बढ़िया है जी। नमस्कार जी, ताऊ जी। नमस्कार भाई। क्या नाम है जी आपका? आवासी नाम है मेरा। तो गांव गढ़वा में आपकी बार क्या लगता है, किसकी तरफ है ज्यादा रुझान? ज्यादा तो भाई मेरे ख्याल दोनों का नहीं है, टक्कर है दोनों की। टक्कर किस किस की है जी? दलाल की, रागी राजीव फटिया की। राजीव फटिया की। अच्छा, तो गाँव में पहले और जेपी दल के कार्यकाल में कुछ काम हुए पहले? तो है लेकिन भाई क्या क्या काम कर रखे जी पहले? पहले तो काम तो भाई कर बढ़िया विषय कर आए हैं। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो, बदलाव चाहते हो क्या? नान मात कौन जाऊँ भाई। हरियाणा हरियाणा में किस किस कार देख रहे हो? हरियाणा भाई देखा दलाल का यहाँ के बताए। अच्छा, जेपी दलाल के। हम तो वोट दे भी इसका दलाल का ध्यान, दलाल का ही देखा हमें। राम राम जी, ताऊ जी। राम राम भाई। राम राम। क्या नाम है जी आपका? सुबेदार चंडू राम। अच्छा, गाँव गढ़वा से। गढ़वा से। तो आपकी बार क्या माहौल आपके गाँव में इलेक्शन में? मारो तो लुआरू हल्का में फ्रंटियर का जोर है राजीव फटिया की। हाँ, कैसे जी राजीव फटिया कैसे जी? उसके हुआ है उसका फर्ज, वो काम है, काम का डेकोरेशन का। काम क्या कर दीजिए ऐसे राजीव फटिया ने? राजीव के आपने कोई ब्याह शादी हो तो उसमें कुछ जो जो कुछ मिले वो दे है फूका सर, और आपने किसानों की मदद करे है, हर एक चीज का आदमी का वो मदद करे है। तो जेपी दलाल ने काम नहीं किया कुछ काम में पहले जेपी दलाल के कार्यकाल में? इनको मेरे ख्याल तो जेपी की तो धोती धोती भाई। अच्छा, हाँ। तो आप बदलाव चाहते हो फिर? हाँ? बदलाव चाहते हो पक्का? जेपी एक बात है, बीजेपी ने जाट वोट देखो, जाटे को समझू, जाट ने तो ये चाहते नहीं। अच्छा जी। हाँ, एमपी का इलेक्शन हुए, पांच जीते थे, पांच जीते थे, धर्मवीर जीते था, आप निशारते सेंटर में मिनिस्टर तीन लिए, एक तो गुजर ले लिया, गुजरा वोट हो गए, एक हीर ले लिया, हीरा का वोट हो गया, एक रफूजी ले लिया, उसका रफूजियों का वोट हो गया, हैं, और जाट को लिया है कौन लिया, और धर्मवीर था सब तो बढ़िया मिनिस्टर जो बीजेपी का था, इसने लेना था कौन लिया, 11.5 साल हरियाणा में राज करती हो गया, 11.5 साल में जाट ने किसी ने नेड़ा दिया और सब था यो, ये हमारा चीफ मिनिस्टर है यो कितने लाए हुए उन्हें, लाभ सिंह हमने तो कभी सुना है कौन था यार? नायब सैनी। हाँ, नायब सिंह। अच्छा। हाँ, नायब सिंह लाडू तारागा। आरागा पक्का करा हूँ। अच्छा जी। हाँ, तो यहाँ से राजीव फटिया कितने वोट जीता रहे हो आप? लाखों पर। 1 लाख वोट से? लाखों से बिल्कुल। मैं तो सारा हंड हंड देख के हूँ। अच्छा जी। फ्रंटियर से सवाए को जिक्र को नहीं पूरे लोहारू हल्के में? पूरे लोहारू हल्के में। अच्छा जी। हाँ, इसके लाग रहे तो हैं बीजेपी वाले, कोई तो अनुलोड़ा ने इकट्ठा करा क्या है, कोई बहुजन समाज वाले ने इकट्ठा करा क्या है, मनकुन बुद्ध है वो आ रहा ना कौन। क्या नाम है जी आपका? रण सिंह। तो गांव गढ़वा में अब की बार क्या लगता है, किसकी तरफ है रुझान ज़्यादा? बीजेपी का आऊँगा। बीजेपी का? जेपी दलाल की तरफ? हाँ। कैसे जी जेपी दलाल की तरफ कैसे जी? जेपी दलाल के काम कर रखे कुछ गांव में? काम खूब है, ठीक थी काम छोकरे को रख छोकरे भी। काम क्या कर दीजिए ऐसे? सब की काम करे बार तो है। अच्छा, बिना वो कुछ क्या क्या कर रखे फिर भी? देश ना लोगों को पिया दिवा दिया। अच्छा जी। नहर बना दी, सड़क बना दी, बिजली पानी हम दे 24 घंटा बिजली चल रहा है, पानी चल रहा है 20 दिन नहर में। तो जैसे कांग्रेस से राजीव फटिया हैं, टक्कर दे सकते हैं अबकी बार दलाल साहब को? के मेरा पट है भाई। गांव गढ़वा में अबकी बार क्या लगता है इलेक्शन में? फटिया यार तो कर दिया राजीव फटिया। कैसे है जी राजीव फटिया भाई? एक धार्मिक आदमी है, बहुत समझदार सर हो सर, पढ़े लिखे सर। काम तो करे जेपी दलाल नहीं बहुत किए आपके गाँव में? नहीं हुए गाँव में यार, क्या काम करे ऐसे सर? ये गाड़ी से पक्की पहली की से सबकी पहली नहर हुआ पहली की से एक तो भाई टूट को सड़क को काटे से 3 साल कौन साल पहली पैटकी खड़ी हो जाके देख लियो। अच्छा जी। खेड़े दर गड्ढो है। तो आप बदलाव चाहते हैं अब की बार? बदलाव पक्को। राजीव फटिया कितने वोट जीता रहे हो फिर अब की बार? गाँव में ये भाई कम से कम भी 800-900 वोट होगा। अच्छा जी। 2 हज़ार तो राजीव फटिया का सर एक हसूस को सर। अच्छा जी। राजीव फटिया पूरे लोहारू हल्के से कितने वोट आ सकते हैं आपके हिसाब से? 30-35 हज़ार का। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार भाई। क्या नाम है जी आपका? अजय नाम भाई। गाँव गढ़वा में अब की बार क्या लगता है, किसकी तरफ ज़्यादा माहौल? बराबर की टक्कर है दोनों में। टक्कर है दोनों? किस किस की जी? फटिया के दला लगे। अच्छा, तो पहले जेपी दलाल के कार्यकाल में कुछ काम हुए गाँव में? हुए भाई। क्या क्या काम कर रखे जी? नहर में पानी, लाइट। अच्छा। बीमा मुआवजा, सार्वजनिक काम सारा है भाई।
तो आप क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हो क्या? हाँ, दलाल ने वोट दिया है मामिंदो जेपी दलाल की तरफ। ठीक है जी। और पूरे हरियाणा में बीजेपी को कितनी सीटें आ सकती है आपके अंदाजे से? भाई बीजेपी मैंने नहीं होगा कितनी आ सके। अच्छा, बाकी लाहौर हलकम तो जीता जीतेगा। ठीक, कितने वोट जीत हो सकती है? 20,000। 20,000 प्लस। तो गांव में और बिजली पानी सड़क की व्यवस्था कैसी है जी? ओके, सही है जी। ओके, हाँ जी, राम राम जी। ताऊ जी, राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? नायल सिंह। तो गांव में आपके पर क्या लगता है, किसकी तरफ ज्यादा माहौल? माहौल तो फटिया को ज्यादा सवाल। राजीव फटिया, कैसे है जी राजीव फटिया जी, काम कर रखे कुछ गाँव में? काम ही करे कोई भाव को तो। अच्छा, बस ला रखी टबर पटा रहे फ्री में। अच्छा जी, और फालतू के रखो। तो जेपी दलाल के कार्यकाल में कुछ काम हुए हैं गाँव में? काम भोड़ा है। अच्छा जी, काम क्या क्या हुए हैं जी? सारे काम हुआ है, लोगों ने पैसा भर दिया ठंडा, कोई मुआवजा, कोई किमीर, कोई किमीर। अच्छा, काम भोड़ा कर हारिया की। अच्छा, बदलाव चाहते हो आप? हाँ। राम राम जी। ताऊ जी, राम राम। क्या नाम है जी आपका? जुगती राम। तो गांव गढ़वा में अब की बार क्या माहौल है इलेक्शन में? हाँ, माहौल किसकी तरफ है ज्यादा? भाई जो लिखा मनते हैं फटी लगे। राजीव फटी की तरफ कैसे है जी? हाँ, गांव की याद लगी कांग्रेस में होगी ना। हाँ, तो जेपी दलाल ने काम नहीं किया उस गांव में? हाँ, जेपी दलाल ने काम कर रखे कुछ गांव में पहले? काम मत पहले कर रखे। तो आप बदलाव चाहो हो? बदलाव चाहते हो? मैं देखिए बदलाव चाहूँ तो। अच्छा, तभी दलाल का सो गया है करो। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार भाई जी। क्या नाम है जी आपका? पवन। गांव गढ़वा से। गढ़वा से। तो अब की बार इलेक्शन में क्या माहौल आपके गांव गढ़वा में? अब किसकी तरफ है ज्यादा माहौल? फटिया के साहब। राजीव फटिया की तरफ। राजीव फटिया की तरफ कैसे जी? बढ़िया। कैसे काम कर रखे कुछ? काम भी करे हैं कुछ लड़कियों के लिए। अच्छा जी, बदलाव चाहते हो आप? हाँ। तो जेपी दलाल के कार्यकाल में कुछ काम नहीं हुआ गाँव में पहले? ना, काम हुए हैं बढ़िया। काम क्या क्या कर दिया जी जेपी दलाल ने पहले? पहले तो मुआवजा भी दिया है किसानों। अच्छा, और पानी बिजली सड़क की व्यवस्था कैसे है जी गाँव में? बढ़िया। अच्छा जी, फिर अब की बार फटिया के राजीव फटिया कितने वोट जीता रहे अब की बार पूरे लोहारू हल्के से? लोहारू हल्के से कम से कम 20,000 वोटर। तो भाई, शिवानी क्षेत्र के गांव गढ़वा का आपने चुनावी सर्वे देख लिया। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।